पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर निर्माण स्थल का धरना दिया है। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक मनोज तिवारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह संस्थान अभी भी शुरू हो जाता है तो अब तक यहाँ 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल जाएगा। अल्मोड़ा से संवाददाता नसीम अहमद की रिपोर्ट। परंपरागत शिल्प जो यहाँ का मर रहा है, उस शिल्प को जागृत करने के लिए, फिर से उसको रिकिंडल करने के लिए ये शिल्प, परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किया गया और इसमें काम भी हो गया। सब बाउंड्री से लेकर के जमीन लेने से लेके पानी लाने तक, फील्ड के समतलीकरण तक, कुछ बिल्डिंग बनाने तक। उत्तराखंड में जब माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंतिम वर्ष में एक ऐसा संस्थान अल्मोड़ा जनपद के भलादेवी विकासखंड के घोड़ाबाद में स्वीकृति किया गया था, जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का संस्थान बनने जा रहा है।